वायदा बाजारों में बिनौला खल की कीमतों में जोरदार गिरावट देखने को मिली है। बिनौला खल की कीमतें 3200 के स्तर से एकदम से धड़ाम होती हुई नजर आई हैं। बिनौला खल लगभग 6 से 7 महीने तक काफ़ी अच्छी तेजी दिखाता नजर आया था। बिनौला खल के 3200 के स्तर को छूते ही इसकी कीमतों में ऊपरी स्तर से मुनाफा वसूली देखने को मिली है और दूसरा सोया मील के आयात होने से भी इसकी कीमतों पर असर पड़ता हुआ दिखाई दिया है। वहीं कॉटन की कीमतों में भी ज़्यादा उत्पादन के आंकड़ों के चलते पहले गिरावट होने के अनुमान से इस बार बिनौला खल की कीमतों में अभी हाल फिलहाल में गिरावट देखी गई है। NCDX पर हमने बिनौला खल में 2300 के भी स्तर आते हुए देखे हैं। फिलहाल बिनौला खल NCDX पर 2500 के ऊपर सस्टेन होकर कारोबार कर रहा है। बाजार के जानकार मोतीलाल ओसवाल के वाइस प्रेसिडेंट अमित सजेजा के मुताबिक बिनौला खल में अभी हाल फिलहाल में ज़्यादा तेजी की संभावना नहीं है। बिनौला खल की कीमतें नीचे में 2370 से 2400 तक जा सकती हैं और ऊपर में ज़्यादा से ज़्यादा 2700 के स्तर देखने को मिल सकते हैं। अमित सजेजा के मुताबिक बिनौला खल में लगभग अगले 2 हफ्तों तक 2400 से लेकर 2700 तक एक सीमित दायरा देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV।